शांति। आज की कहानी इस प्रकार है। एक राजा ने एक बंदर को अपने सेवक के रूप में अपने पास रखा था। हमेशा वो राजा की सेवा में हाजिर रहता था। एक बार राजा अपने शयन कक्ष में अपने शयन पर विश्राम कर रहे थे। बंदर भी उनके साथ पास में बैठ राजा को हवा दे रहा था। कुछ ही क्षणों में एक मक्खी आई जो राजा की छाती पर आकर बैठी। बंदर ने उसको पंखे से उड़ाया। मक्खी उड़ गई, कुछ ही क्षणों में फिर से आकर के बैठी। फिर बंदर ने उसको उड़ाया। ऐसे बार बार मक्खी आ रही थी और राजा की छाती पे बैठ रही थी और बंदर उसको उड़ा रहा था। आखिर बंदर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मक्खी को मारने के लिए सोचा। देखा पास में तलवार पड़ी है, तलवार उठाई और जोर से राजा के छाती पर लगा दी। मक्खी तो उड़ गई, परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो गई। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के लिए कभी भी साथी रक्षक के रूप में किसको साथ रखना है तो पहले हम अच्छी तरह से उनके विषय में सोचें, समझें और उसको परखें और फिर रखें, ताकि समय पर हमें उनका बराबर सहयोग मिल सके और हम विजयी बन सके। ओम शांति।